आज मसाला किचन के जो बिस्किट्स आप देख रहे हैं ना, जो कुकीज देख रहे हैं, आटा कुकीज, वो बेकरी की नहीं, वो होममेड कुकीज हैं। ये मसाला किचन की स्पेशल कुकीज हैं, जो खास बेकरी से बिल्कुल रेसिपी लाई हूँ आपके लिए, और आप इसे बहुत अच्छी बना सकते हैं, बेकरी से ज़्यादा अच्छी इस कुकीज को बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट आटा कुकीज़ हैं। आज के बाद मुझे नहीं लगता आप मार्केट से ये कुकीज़ लेने जाओगे। जो बेकरी के बिस्किट्स होते हैं और घर के बिस्किट्स होते हैं, उसमें मेन फ़र्क क्या होता है? आप सभी जानते हो, जब घर में हम कुकीज़ बनाते हैं तो एक दो दिन तक तो वो बिल्कुल बेस्ट रहती हैं, उसके बाद वो सॉफ्ट होने लगती हैं। लेकिन जब बेकरी से हम बिस्किट्स लाते हैं, हाफ के जी, वन के जी, वो सॉफ्ट नहीं होती। उसका क्या कारण है? उसमें जो डालते हैं वो है मार्गरिन। तो मार्गरिन जो होता है, उसको अगर वो पूरी क्वांटिटी में डालते हैं मार्गरिन, हम आधा आधा कर देंगे, आधा बटर आधा मार्गरिन, तो हमें रिजल्ट बहुत बेस्ट मिलेगा, मतलब बेकरी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ ले रही हूँ मैं आधा कप मार्गरिन। मैंने आपको ग्राम्स में भी बता दूंगी, नीचे लिख दूंगी, आप आराम से बना सकते हैं। वैसे ये 60 ग्राम के आसपास है मार्गरिन। और दूसरी चीज मैं ले रही हूँ इतना ही, हाफ कप अमूल बटर, जो हमें हमेशा अवेलेबल होता है। आपकी टेंशन ये होगी कि मार्गरिन हम लाएंगे कहाँ से। मार्गरिन आपको मिल जाएगा किसी भी बेकरी शॉप पे जहाँ पर बिस्किट कुकीज बनते हैं, या फिर किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे जहाँ पे केक्स के सामान मिलते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन भी इसकी लिंक दे दूंगी, वहाँ भी मिल जाएगा। मार्गरिन का टेम्परेचर और बटर का टेम्परेचर दोनों ही नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर। दोनों का जो फुल नाप है 120 ग्राम है, और मैंने इसे कटोरी से आपको नाप के दिखाया है। आप आधा आधा कप दोनों ही ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को आप हाथ से थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो सॉफ्ट होने की वजह से ये आराम से मिक्स हो जाएगा। इसमें जो मैं तीसरा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है शक्कर बूरा, जो अक्सर हम लड्डुओं में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो पिसी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, पर बेकरीज का ये सीक्रेट मैंने जब जाना तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसमें शक्कर बूरा डला हुआ है, आधा कप शक्कर बूरा, आधा कप अमूल बटर, आधा कप मार्गरिन। तीनों ही चीज़ों को मैं इस तरीके से सॉफ्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने नाप कर आपको बता दिया है 100 ml जो दूध है। दूध जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म भी नहीं, ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो फिंगर है उसे सह सके, ल्यूकवार्म उसे कह सकते हो। ज़्यादा गर्म होगा तो इन दोनों चीज़ों को मेल्ट कर देगा, और ज़्यादा ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा दिक्कत आएगी हमें मिक्स करने में। इन छोटी छोटी ट्रिक्स को आप ध्यान में रखें। अब मैंने इसमें जो एक इंग्रेडिएंट डाला वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ये 2 tablespoons है। घर में जो चावल खाने वाला जो चम्मच होता है उससे भी आप नाप सकते हैं, भर के आप ले सकते हैं, या टेबल स्पून अगर आपके पास है तो 2 tablespoons आप ले लीजिए। और उसके बाद मैंने इसमें क्या डाला, कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आपको 1 tablespoon डालना है, ग्राम्स में 10 से 12 ग्राम। अब इसमें मैंने डाल दिया 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा। वैसे जो बेकरीज में ये लोग अमोनिया भी यूज़ करते हैं, पर मैंने इसमें अमोनिया यूज़ नहीं किया है। बस सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप मिक्स करते जाइए हाथों से, दूध भी आप धीरे धीरे डालते जाइए। आप चाहें तो आपके पास वेनिला एसेंस है तो वो भी डाल दीजिए, नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। मैंने कुछ बूंदें इसमें वेनिला एसेंस की डाल दी हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये मिश्रण हो गया है। मैंने सारा दूध इसके अंदर डाल दिया है 100 ml के आसपास। अब यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ ये है आटा। बस अब आटा ही रह गया, आटा हमें कितना डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 200 ग्राम गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, इसे आप छान लीजिए और उसके बाद इसमें डालते जाइए। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी। अभी तक हमने काफ़ी फेटा उसको, बहुत मन से फेटा, लेकिन जैसे ही आप इसमें आटा डालेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा नहीं फेटना है। ज़्यादा फेटेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आटा डालने के बाद बहुत सॉफ्ट तरीके से बस आपको मिक्स करना, सबको एक तरफ इकट्ठा करना, इस तरीके से एक रोल बना लीजिए। अब बारी आती है, क्योंकि आप जानते ही हो जो आटा बिस्किट होता है एक उसका खास डिजाइन होता है, क्योंकि वो एक मशीन से बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ आप देख लीजिए, वही डिजाइन लाने के लिए अपने पास चकली मेकर होता है, हर घर में होता है, ज़्यादातर होता ही है। हम तीज त्यौहार पर सेव गाठिया बनाते रहते हैं, उसमें एक ये प्लेट होती है जिसमें इस टाइप की डिज़ाइन होती है, बस ये डिज़ाइन वाला आप यहाँ पर डाल दीजिए। जो चकली मेकर है उसमें ये लगा दीजिए और हल्का सा ऑयल लगा के इस तरीके से आप उस मशीन को बंद कर दीजिए।
बहुत ही अमेजिंग है। जब आप इसे बनाना देखेंगे ना, आप खुद खुश हो जाओगे और बनाना अभी शुरू कर दोगे। बस हाथों से थोड़ा थोड़ा मटेरियल को लीजिए और इसे इसमें बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास बाय चांस से मशीन ना हो, तब भी मैं आखिरी में ज़रूर बताऊंगी कि उसके बदले आप क्या कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से मशीन से इसको निकालती जा रही हूँ। फिर हम अपने मनपसंद जितना साइज का हमें बनाना है उस हिसाब से हम बिस्किट को कट करते जाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको इसे बनाना। जब चकली मशीन से पूरा मिश्रण खत्म हो जाए, तब आप दोबारा इसमें भर सकते हैं। अब ये जो बनाए हुए हैं मैंने, इनको हम कट कर सकते हैं इस तरीके से। और जब आप ये बिछा रहे हैं यहाँ पर, तब आप हल्का सा आटा थोड़ा सा नीचे छिड़क दीजिए, जिससे आपको उठाने में बहुत सहूलियत हो जाए। ये देखिए, यहाँ मैंने एक ट्रे ली है, उस पर एक बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर ना हो तो थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरीके से कुकीज़ को रखती जा रही हूँ। अब ये एक ट्रे बनी है, एक ट्रे मैं बेक कर रही हूँ, तब तक दूसरी ट्रे बना लेती हूँ। अवन के लिए मैंने इसको 160 डिग्री पे बनाना है, तो 160 डिग्री पर मैंने इसको अवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था, करीब करीब 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो गए तो यहाँ पर हम रख रहे हैं। ये देखिए, मैं कहाँ रख रही हूँ, हमेशा जो भी केक रखते हो, कुकीज़ रखते हो, बहुत ऊपर नहीं रखना चाहिए, आपको नीचे रखना चाहिए, क्योंकि नीचे हीट पहले मिलनी चाहिए। अब हमें इसे कितनी देर पकानी है, क्वेश्चन ये रहेगा। हमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे, पर फिर भी आपको 15 मिनट पूरा छोड़ना नहीं है। हर एक की जो अवन होता है अलग अलग टाइप का होता है, तो आप 10-12 मिनट में चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इस मशीन में बाकी बचा हुआ आटा डाला है और फिर से इस तरीके से निकाल रही हूँ। यहाँ मैंने आपको एक और ट्रिक बतानी है कि जब हम बिस्किट को इस तरीके से काटते हैं ना, तो कभी कभी ये चिपकता है, तो आपको ना उस चाकू को थोड़ा आटे में डिप कर देना है। अब ये जो दूसरी ट्रे है, मैं उसमें रखती जा रही हूँ। अब बचा हुआ मिश्रण फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ। और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, मैंने पहले लाइन बना के दिखाई है ना, अब मैं इस तरीके से एक एक बिस्किट को निकाल रही हूँ। अब ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप हाथ से कैसे बनाएंगे। इसे आप धीरे धीरे बेलिए, थोड़ा सा और पतला कर सकती थी, पर मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया है। अब आप जो फोक होता है ना घर में, उसे इस तरीके से डिज़ाइन दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। अब आप इसे कट कर दीजिए साइडों से। अब आप इस तरीके से इसे उठा के इसे भी बेक करने के लिए रख दीजिए। मुझे लगता है जो नॉर्मल बिस्किट हैं उससे थोड़े मोटे हो गए हैं। अब पहले हम पहली वाली ट्रे निकाल लेते हैं, फिर हम ये दूसरी ट्रे रखेंगे। ये देखिए, ये बिस्किट्स बन चुके हैं। अब हम दूसरी ट्रे इसी के अंदर रख रहे हैं। अभी जो हम बिस्किट लाते हैं, उसे एक ट्रिक मैं यहाँ पर और बताती हूँ कि कभी भी आप नान खताई बिस्किट लाते हो, उसे आपको बिल्कुल भी उस समय नहीं टच करना है। यहाँ पर भी हम 160 डिग्री पर 12 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। वो जो बिस्किट पहली ट्रे बनी है, करीब करीब 15 मिनट में बनी है। 15 से 16 मिनट हो सकते हैं, 18 मिनट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके अवन पर। खास तौर से आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है, जैसे 160 पे हमें इस बिस्किट को बनाना है, तो आप 160 पे ही टेम्परेचर को दीजिए और प्रीहीट कीजिए। और 10 मिनट के लिए मैंने प्रीहीट किया हुआ था। प्रीहीट के बिना कभी भी कुकीज़ हो, केक हो, नहीं बनाना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर एक ट्रे रखी, तो 160 मैंने रखा, 150 से थोड़ा ज़्यादा, और 15 से 17 मिनट के लिए रखा। परफेक्ट कुकी बन गई है। अभी जो सेकंड टाइम रख रही है, तो मैं 15 मिनट रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे प्रीहीट तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बिस्किट बहुत बढ़िया बने। अब यहाँ देखिए, दूसरी ट्रे भी निकल गई है, मैंने इसे भी निकाल दिया है। इन्हें हम रखते जाएंगे इस तरीके से किसी रैक पर। ये जो हमने हाथों से बनाई बिना मशीन के, ये देखिए, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। आपके पास मशीन नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, आप इस तरीके से बना सकते हैं। इन सारी कुकीज़ को आप इस तरीके से रखते जाइए। जब ये ठंडी हो जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगी। बचपन में मैंने देखा था, मेरी मम्मी के साथ सब हम घर का सामान ले जाते थे, आटा, गेहूँ, चीनी, और वो बेकरी वाला बना के देता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, हम घर में आराम से इसे बना सकते हैं। ऑलमोस्ट कुकीज़ सारी बेक हो चुकी हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ कुकीज़ में लाइट कलर है, तो इसे आप वापस भी 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। एक और बात,
आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे कि कुकीज़ को हम गैस पर बना सकते हैं, मैंने भी आपको बना के दिखाया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो कुकीज़ को हम गैस पर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि 4-4, 6-6 कुकीज़ हम कब तक बनाते रहेंगे। तो कुकीज़ आप तब ट्राई कीजिए जब आपके पास माइक्रोवेव का कन्वेक्शन हो या अवन हो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और बिल्कुल बेकरी से ज़्यादा अच्छा मिलेगा। वैसे तो मैं चाहती आपको बेकरीज पर जाकर इन कुकीज़ की रेसिपी बता देती, बेकरीज वाले कई मुझे जानते हैं, लेकिन होता क्या ना वो बहुत बल्क में बनाते हैं तो हम घरों में इतना बल्क में तो बना नहीं सकते। और मैंने आपको ग्राम्स में भी कोई रेसिपी ये नहीं दी है, पूरी कटोरी की नाप से दी है। सारे इन्ग्रीडियंट्स की माप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, बहुत परफेक्ट आपकी भी कुकीज़ बनेंगी। थोड़ी सी जो लाइट है ना वो आप एक बार उसे 2-3 मिनट के लिए फिर से रख सकते हैं, तो वो कम से कम 1-2 मंथ के लिए आप ये कुकीज़ अगर बना के रख देंगे ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और बात, अगर आपके पास वो मशीन नहीं है ना जिससे मैंने बनाए कुकीज़, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना ये कुकीज़, अच्छे से रोस्टेड हैं हर तरफ से। अभी ये थोड़ी ठंडी हो जाए फिर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है ये कुकीज़। तो यहाँ देखिए बिस्किट तो बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इतने क्रिस्पी, इतने कड़क, इतने मज़ेदार। चाय बनाइए और इन बिस्किट का एंजॉय कीजिए। इसे आप कब बना रहे हैं मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें।